साथियों, पहले की सरकार के समय एक और बड़ा घोटाला हुआ जो देश की बैंकिंग व्यवस्था के साथ किया गया था, फोन बैंकिंग घोटाला। यानी दिल्ली से एक फोन जाता था और कुछ विशेष लोगों को लाखों करोड़ का कर्ज मिल जाता था। स्थिति यह थी कि उस कर्ज की किस्त चुकाने के लिए भी फिर उसी बैंक को फोन करके नया कर्ज दिलवाया जाता था। आखिर ऐसा कैसे संभव था कि स्वतंत्रता के बाद से लेकर, और मैं चाहूंगा कि देश के लोग इस आंकड़े को याद रखें, स्वतंत्रता के बाद से लेकर 2008 तक बैंकों द्वारा 18 लाख करोड़ का कर्ज दिया गया और 2011 में, यानी 2008 से 2011 में ये बढ़कर के 18 लाख 52 लाख करोड़ रुपए का हो जाए। ये घोटाला देश की अर्थव्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद करने की ताकत रखता है। बीते 5 वर्षों में हमारी सरकार ने, रिजर्व बैंक ने और देश के पब्लिक प्राइवेट बैंकों ने मिलकर देश को फोन बैंकिंग घोटाले से उभारा है। अब कोई बैंकों का पैसा लेकर बैठ नहीं सकता। भारत ने एक आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तौर पर ऐसा कानून बनाया है जिसके बाद अब यह सुनिश्चित हुआ है कि अगर बैंक से कर्ज लिया है तो लौटाना ही पड़ेगा। अब यह नहीं होगा कि एक कंपनी को दिवालिया घोषित करके कोई बाकी कंपनियों के पैसे पर आराम करे, मौज करे। ऐसी नियत रखने वालों को अब अपनी सारी कंपनियों से, अपनी सारी संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा। और आपने देखा है, ये बातें मीडिया में दिखती नहीं है, कईयों को हाथ धोना पड़ा है। करोड़पति आज रोड़पति बन गए हैं इस कानून के कारण, क्योंकि बैंकों से रुपये लेकर के मौज कर रहे थे और ये काम करने की हिम्मत इस सरकार ने दिखाई है। साथियों, आईबीसी बने अभी ठीक से 2-2.5 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन इसकी वजह से अब तक बैंकों और देनदारों के 3 लाख करोड़ रुपए की वापसी सुनिश्चित हो गई है। ये 3 लाख करोड़ वापस आए, उसकी तरफ भी आप लोगों की नजर रहनी चाहिए। मैं जानता हूं कि जब यह कानून बन रहा था तो मुझ पर कितना दबाव था, किस तरह का दबाव था, क्योंकि जो समझते थे कि कानून आने के बाद कैसी मुसीबत आएगी, वो पूरी तरह लगे हुए थे। लेकिन मुझे खुशी है कि आज ये कानून बना और इसने देश के बैंकों को, बैंकिंग व्यवस्था को नई जिंदगी दी है, नई ताकत दी है। भाइयों और बहनों, देश में घोटाला करके विदेश भाग जाने वालों की आज क्या हालत है, देश इसको देख रहा है। जो आदमी 9000 करोड़ रुपए का घोटाला करके भागा था, उसकी अब तक 14000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। आखिर ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि हमारी सरकार ने कानून बनाया कि जो कोई भी ऐसा करेगा उसकी देश में एक एक संपत्ति तो जब्त होगी, विदेश में भी उसकी जितनी संपत्तियां हैं वो भी नीलाम कर दी जाएगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध छोटे मोटे फैसले लेकर, छोटी मोटी लड़ाइयों से नहीं जीता जा सकता। इसके लिए ऐसे ही कठोर फैसले लेने आवश्यक होते हैं।